वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वैगाबॉन्ड्स। तो जी कैसे हैं आप सब? इस बार ट्रैक थोड़ा जल्दी लेके आया हूँ, लमखागा किया था लास्ट टाइम, उसके बाद अब ये मैंने एक बैच तैयार किया है। कहाँ पे हैं आपको वैसे टाइटल से पता लग ही गया होगा। लास्ट टाइम 2020 में हम चंद्रनाहन गए थे, तब बहुत बर्फ़ थी। अब उसी इलाके में दोबारा आए हैं तो मैंने एक बैच कस्टमाइज़ किया है, अप टू दियारा थाच, हमने आगे चंद्रनाहन नहीं जाना। बताता हूँ उसका क्या है। रीज़न ये है, इस बार मेरे साथ 13 ट्रैकर्स हैं और मेरे को छोड़ के, मेरे को इंक्लूड करके 14 ट्रैकर हैं जी। तो मेरे साथ हैं 5 बच्चे छोटे छोटे, बहुत क्यूट। उनमें सबसे छोटा बच्चा 7 साल का है, सबसे बड़ा बच्चा 11 साल का है। उन सारे बच्चों से भी आपको मिलाऊंगा, अभी आपको कुछ विजुअल दिखे भी होंगे ब्रेकफास्ट के। तो दियारा थाच का मैंने ट्रैक प्लान किया है और ये शुरू वहीं जांगलिक से होता है। रास्ता मैं पहले आपको चंद्रनाहन वाले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, जो चंडीगढ़ से जांगलिक आते हैं। तो बस अभी आज हमारी फर्स्ट जो कैंप साइट है वो सिम्बर थाच रहेगी, जो मैंने आपको चंद्रनाहन वाले ब्लॉग में भी दिखाई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा दियारा थाच। 3 दिन हो गए जी, एक दिन हम कार में आए हैं जांगलिक, नेक्स्ट डे सिम्बर, थर्ड डे दियारा, चौथे दिन हम वापस। बेसिकली मैं ना एक पंजाब में थोड़ा ट्रैकिंग का कल्चर लाना चाहता हूँ, तो मुझे लोग कहते थे हमें आप इजी से शुरुआत करवाइए, तो इससे इजी कुछ नहीं है, बट ये इजी रहा नहीं। पहले ये विजुअल देखिए, बेसिकली क्या हुआ, वो जो एक पुल था रास्ते में जांगलिक से 2.5 किलोमीटर पहले, वो कलेप्स कर गया बारिश की वजह से। तो बच्चों को सबको हमें कहते ना शोल्डर्स पे बिठा के रोप लगा के ऊपर लेके आना पड़ा, बट अच्छा रहा, ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है और मज़ा आएगा। सारे बच्चों से मिलाता हूँ, टोटल मेरे साथ 13 ट्रैकर हैं इंक्लूडिंग 5 चिल्ड्रन, और एक बंदे से मिलाता हूँ आपको। कैसे हो पंडित जी? सुरेश जी, आप इनको जानते हो बहुत अच्छी तरह, जब मैंने ट्रैकिंग तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग जब शुरू की थी ट्रैकिंग की इनके साथ की थी। कहाँ गए थे हम? हर की दुन। क्या हालचाल है? बड़ी देर बाद हमारे साथ ट्रैक कर रहे हो। मेरा ये ही रियली गुड गाइड, रियली गुड गाइड, मज़ा आने वाला। ठीक, ओहो अब ऐसे, एक मिनट, एक चक्कर पड़ेगा, अब बच्चे मुझे बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे तो व्लॉग ऐसे बीच में टूटेगा। आ रही ला रहा है। एंड ये है जी, अपना अपना नाम बताओ। तक्ष कपूर। तो इसकी खासियत ये है, ये आपके चीते ट्रैकर का बेटा है कुणाल कपूर का, पर उससे ज़्यादा फिट है। कितनी एज है आपकी? 7 साल का। ये है जी आरिल चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा से कोई लिंक नहीं है इसका। आरिल कहाँ पढ़ते हो? लाउड बोलना। ओपी बंसल है जी गोविंदगढ़ में, ये फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है पंजाब में, वेरी फेमस स्कूल। एज कितनी आ रही है आपकी? 12। और इसकी खासियत ये है, इसको वांडा विजन बहुत पसंद है। है कि नहीं है? तो ये हमारा दूसरा बच्चा जी, इसके बाद आपको बाकी ट्रैकर से मिलाता हूँ। उससे पहले चैन सिंह जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। जल्दी मिले इस बार? हाँ जल्दी, बहुत लेट नहीं हुई, बहुत जल्दी मिले। अब मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ये हमारे जी हिमालयन टाइगर जिनको मैं बोलता हूँ, इनके बिना वो पीछे खड़ा हमारा कुक हर की धुन वाला, जिसके साथ हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी। तो ये आपको इनके बारे में तो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, चैन सिंह। ये हैं जी अंशुल चोपड़ा, ये फ़ोन पे थोड़े ज़्यादा बिजी रहते हैं, एंड ये स्नीकर हेड भी हैं, ये बाद में बताऊँगा आपको मैं। ये जी हैं वो जो आपको मैंने आरिल से मिलाया, उनके फादर दीपक चोपड़ा, थोड़े फिटनेस फ्रीक हैं। और ये हमारे सबसे सीनियर मेंबर सर, हाउ आर यू? सुखविंदर चोपड़ा। सुखविंदर चोपड़ा, दीपक का पापा, अंशुल का पापा, आरिल का दादू। कैसा रहा सर? सबके साथ बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, क्लास रहा। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज ट्रैकिंग करने का बहुत मजा आएगा। वैसे चोपड़ा जी 3 जनरेशन आई है आपकी यहाँ पे? 3 जनरेशन आ गई। ओके, बहुत कम होता है ऐसा भी, 3 जनरेशन आपको एक फ्रेम में दिखें। इनकी मैं पिक्स वगैरह खींचेंगे, सबकी आपको बातें भी करेंगे। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बस बाकी बच्चों से मिलाता हूँ। अभी आपको आरिल और तक्ष से मिलाया, बाकी जो 3 बच्चे हैं वो तीनों ही लड़कियाँ हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, बहुत क्यूट। एक पवित है, एक धनवी है, एंड थर्ड वन इज़ धृति, उनसे भी मिलाता हूँ। बस जब चलते हैं सब गैदर हो जाएँ, फिर दोबारा क्या कहते हैं ब्लॉग शुरू करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ। तो जी आपको
चोपड़ा से मिला दिया था, दो ट्रैकरों से मिलाया, कुणाल के बेटे से आपको मिलाया एंड आरएल से मिलाया। अब फीमेल जो बच्चे हमारे पास, जो गर्ल चाइल्ड आपको उनसे मिलाता हूँ। सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इधर आ जाऊँ। ये आ रही है जी धनवी। धनवी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड ए। और एज क्या आपकी? 7। 7 करोगे? यस। चल लोगे? यस। कल का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। मजा आया? यस। और जो पुल क्रॉसिंग किया था वहाँ कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा रहा। अब आप इसके बाद मिलाता हूँ जी आपको, पीछे खड़ी है धृति। 2 मिनट सॉरी। ये धनवी थी, ये धनवी के पापा हैं अभिनंदन गोयल। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया सर। कैसा रहा कल का दिन? बहुत अच्छा था। मजा आया? बहुत मजा आया। रेडी हो? यस। ये हैं जी मेरी तरह स्टैग इस ग्रुप में तो मैं और राजन दीप सिंह टेंट शेयर करेंगे, तो ये इनका सौभाग्य मेरे साथ टेंट शेयर कर रहे हैं। कितना लगा कल? बहुत बढ़िया। मजा आया? पूरा मजा आया। थोड़े से इरिटेट थे, वो भूख लगी हुई थी। नहीं थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना। पर मजा आया, एडवेंचरस था पूरा। एक्चुअली ये जिनसे भी आपको मिला रहा हूँ ये सारे फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स हैं एक्सेप्ट कुणाल। चलो इसकी तो गिनती नहीं होती किसी भी चीज में। सबसे ज्यादा जो पुल क्रॉसिंग किया था बहुत डेंजरस, बहुत था डेंजरस, पर मजा भी तो आया। बहुत मजा आया, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए थे हमारी वो गाड़ी की वजह से, एक्सीडेंट जो हुआ। एक्सीडेंट वो कहानी मैं व्यूअर्स को बाद में बताऊंगा। और ये है जी धृति। धृति पूरा नाम बताओ। धृति चावला। और क्या एज है आपकी? 9 and a half। ये डिटेल बताती है जी। और कहाँ पढ़ते हो? द कैम्ब्रिज स्कूल। कैसा लगा कल? अच्छा रहा, बस वो पुल थोड़ा डेंजरस था और डर लगा। सबको पुल पे ही डर लगा। फिर आप कैसे आए पुल से, पैदल आए चल के? नहीं, उन्होंने उठा लिया था। देखो जी बच्चे शिकायत बहुत करते हैं, इनको हमने उठवा भी लिया तो भी कह रहे हैं डर लगा। पर नहीं, डरने वाली बात थी वो जो अभिनंदन बता रहा था एक्सीडेंट वाला। बेसिकली हम रात 10 बजे चंडीगढ़ से निकले हुए थे, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा टेम्पू ट्रैवलर था उसका एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हमारा 4 घंटे का डिले रहा। रात को हम 11 बजे पहुँचे जांगली, इसीलिए शूट करने का मन नहीं किया। बट मुझे पता था जब यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा, और वही हो रहा है। एवरीवन इज़ गुड, सबकी हेल्थ ठीक है। इसके बाद अब एक एंट्री रह गई है, उनसे मिलाता हूँ आपको, पवित एंड अमरिंदर। अमरिंदर जी आप पीछे हो जाओ, आपकी हेलो नहीं चाहिए। ओके जी। हेलो पवित। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसा रहा कल? इट वाज ग्रेट बट इट वाज स्केरी। इट वाज स्केरी? या। कौन सा, व्हिच पार्ट वाज मोस्ट स्केरी? द ब्रिज। Why you felt scary over there? I was with like, you. I was literally like looking down. So. And how you felt after crossing that bridge? I felt proud of myself. Proud of yourself. और जी इस स्वीट बच्चे को जन्म देने वालों से मिलाते हैं आप। तो ये है जी अमरिंदर चीमा। कैदना भी भाई? बहुत बढ़िया जी, परफेक्ट। परफेक्ट कितना लग रहा है? पूरा एंजॉयबल, पूरा रिलैक्सिंग, मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है। और कोई कोई सानू सलाह देनी होवे कल तो बाद कुछ नहीं? बहुत वधिया, देखो अनसर्टन सारा कुछ होंदा ही है, जो आप नॉर्मल लाइफ होंदी है उस भी बहुत कुछ अनसर्टन होंदा। ये सोच के चलो आप कितने भी ट्रैक ते जाने, कुछ है ना कुछ अनसर्टन होगा। एक्चुअली रिलैक्स हो ना, और टेंशन ना लो भी क्यों हो रहा है। एक्चुअली बहुत वैसे तो बहुत रईस बंदे हैं, पर अभी अपनी कहते हैं ना उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं अपनी रईसी में, तो उन्होंने बाबा बनना है। ये स्पीचेस उसके लिए तैयार है। नहीं जी नहीं, ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो बस अब रेडी हैं जी सभी, अभी सबको ब्रीफिंग कर देंगे वहाँ करना क्या है, चलना कैसे है। बच्चों का थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ब्रीफिंग दिखाता हूँ आपको। उससे पहले एक बंदे से मिला दूँ, वरना मेरे साथ वो आएगा नहीं आगे से। कपूर साहब किदा? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल वैगाबॉन्ड। वैसे तो मिस्टर पंकज भंडारी ने सब कुछ आपको बता दिया, क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, अच्छी अच्छी ग्रीन वादी दिखा दी। इस टाइम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ज़्यादा, क्योंकि हम अपने कहते हैं जान के टोटे बच्चों को साथ लेके आए हैं उन्हें एक्सपीरियंस देने के लिए, ठीक है ना, नेचर से, ताकि वो प्यार करें, समझें नेचर को और हार्डशिप्स को समझें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। बाकी देखते हैं इनका इंटरेस्ट आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि नहीं बनकर। बिल्कुल यार, और बाकी वो हमेशा आप याद रखिए जब भी यहाँ आएँ, और अगर आप बच्चों के साथ आते हैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो तो रहेगी। हाँ, पर यहाँ पे लिटर नहीं करना, बच्चों के साथ आने का मतलब आपको एक्सक्यूज नहीं मिलता। नहीं, बच्चों को भी यही सिखाना, डू नॉट लिटर, लेके इसलिए आए हैं। बाकी एज यूजुअल हमारी किस्मत
मतलब ऊपर वाले ने कुछ अच्छी अच्छी तो है ही है, बुरी तो कहते नहीं, कोई ना कोई एक्सेप्शनल चीज ऐसी हो जाती है जो हमारे मतलब ट्रैक को ना एडवेंचरस से अपर लेवल पे ले जाते हैं ना। कल भी ऐसे वो इन्होंने सब बता दिया आपको, पहले गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में आ रहे थे, ठीक है, 3-3.5 घंटे वहाँ खराब हो गए, फिर आते हुए यहाँ लैंडस्लाइड 2 दिन पहले हो गई, रास्ते बंद हैं, फिर ट्रैक करके आए नदी से क्रॉस की पुल से, बच्चों को भी कराया, टफ था, रिस्की भी था, बट अब जब आए हैं तो करना तो पड़ेगा। मतलब आते सर सबको थ्रिल मिल गया, जो हमारे साथ हमारे दोस्त ये हमारे भाई आए हैं सारे, इनको थ्रिल मिल गया, अभी ये ट्रैक होता गया, एक्लाइमेटाइज भी हो गए। अच्छा है सारा, बाकी मौसम बहुत प्यारा है, प्लेजेंट डे है, एक्लाइमेटाइज नहीं हुआ, सभी ने एंजॉय किया। मिस्टर एक्लाइमेटाइज, ट्रॉमेटाइज नहीं, एक्लाइमेटाइज, वो थोड़ी राजन जी की इंग्लिश दिल्ली है, समझ नहीं पाए हमारे जज्बातों को, समझ नहीं पाए हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे रास्ते में मिलते हैं, दिखाते हैं आपको वैली, वैसे तो पहले भी आपको ये मतलब रूट दिखाया हुआ, बट वो टोटली डिफरेंट मौसम में था, सारी सीनिक ब्यूटी चेंज हो जाएगी, वो वाइट था अब ये ग्रीन है, ये लश ग्रीन है, मतलब वो दिसंबर में था, ये अब अगस्त में है, तो अच्छा ही होगा सारा कुछ। बाकी ये छोटा मिला दिया इसे एंजॉय कराना अच्छे से, ये करता रहेगा ब्लॉग मेरी जगह आपके आपके साथ, पंकज के साथ, ठीक है। बस अभी मैं सबको ब्रीफिंग करता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको, उसके बाद ट्रैक पे मिलता हूँ। अपना जो यश जिन्हें भी ट्रैकरस हैं 4-4.5 किलोमीटर ट्रैक रहने वाला है, ठीक है, ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की आज अपने लिए बच्चे, ठीक है ना, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहूँगा, कोई भी बच्चा सब तो अगे नहीं जाऊँगा, बच्चे बिच रखने हैं, जेड़ा पेरेंट तो अपने बच्चे अपने नाल रख सकता है वो रखे, ठीक है ना, जेड़ा नहीं रख सकता वो सानू दसे असी उस हिसाब ना एक एक बंदा गवा पाएंगे, ठीक है ना। सैकेंडली पानी पीते रहना, पानी मतलब जो तुम्हें प्यास नहीं भी लग रही ना, टारगेट रखो पूरे दिन से 2-3 लीटर पानी पीना, झरने का पानी होगा जिते थानू पानी दिख जाता है उत्थे पानी पीना ही पीना, अदरवाइज तुम्हारी हैडेक हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा रुकना नहीं, यही मैं कह रहा कि तुम रेस्ट ना करो, इन्ना क ध्यान रखना सब ने भी उन्नी क रेस्ट करो, तुम्हारा बॉडी ठंडी ना हो, इट इज़ जस्ट लाइक एन कार, जो आप कार का इंजन कोल्ड स्टार्ट करते हैं बॉडी का सेम रहा है, ठीक है ना। कित कोई बंदा फस जाता है नहीं अगे चलिया जाता, सानू नाल दी नाल दस, किसी भी बच्चे ने किसी भी अडल्ट ने जे सुसू करना यूरीनेशन करनी है वाटर बॉडी के नेड़े नहीं करनी, वो ध्यान रखना उतने कोई झरना ना हो, कोई रिवर ना हो, कुछ साइड पर जाके करना माउंटेन वाली तरह। होर किसी का कोई क्वेश्चन है वो दसो दसो पानी होगा, पानी हर जगह होगा, टाइम जी आज ऐसा, वैसे तो ये जो ट्रैक है ये 2.5-3 घंटे का है, पर हम सारे बिगनर ट्रैक कर रहे हैं, बच्चे साथ में हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ हमें 4-5 आवर लग जाएंगे। पहला 1 घंटा आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, बिकॉज बिगनिंग होती है, बॉडी गर्म होने में टाइम लगेगा, आफ्टर दैट सब ठीक हो जाएगा। बाकी जैन सिंह जी हैं, इनसे बेटर आपको एक चीज और बता दी भी, सबको भी जो भी खाना है मतलब चॉकलेट टॉफी का जो भी रैपर चिप्स का उनका वो एक जगह होगी वहीं पर फेंकना, मतलब हमने कहीं पे भी लिटर नहीं करना, नहीं बॉटल नहीं फेंकनी, आपके अपने साथ कैरी करनी है, ऊपर बिन होगा वहाँ पे सारा सामान इकट्ठा करके हम नीचे लाके उसको डिस्पोज ऑफ कैंप में जाके ना इनके पास एक बैग होता है उसमें इकट्ठा करके वापस जैन जी, ठीक है। हाँ सबको नमस्कार प्रणाम और गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का देव भूमि हिमाचल में और अपने जांगली गांव में जांगली ग्राम पंचायत की तरफ से और हिमालयन आइकर्स परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और वेलकम। हम एक छोटे से और प्यारे से खूबसूरत ट्रैक पे जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत वैली है, बस हमको एक ध्यान देना है कि चलते रहना है, बहुत तेज़ी से नहीं चलना है, रिदम में चलना है, पानी पीते रहना है और बिल्कुल दौड़ना नहीं है, स्पीड नहीं करना है, इसके आराम आराम से थोड़ा इधर उधर पहाड़ को भी देखना है, थोड़े पेड़ों की जानकारी भी लेनी है, थोड़ा गांव वाले मिले उनसे भी बात कर सकते हैं, मतलब ये ना लगे कि प्रेशर नहीं लेना है। और कभी भी जब हम कहीं का प्लानिंग करते हैं तो हमको इधर से करना चाहिए, इधर से नहीं इधर से, मतलब एक बार हमने सोच लिया कि जाना है तो या नहीं जाना। और रास्ते में बहुत जगह पानी है, जहाँ जहाँ पानी होगा हम आपसे पानी भरवाएंगे, पानी पीते रहना, जैसे थोड़ा ठंडा होता है तो उसके एक बार मुँह पे रखे 2-4 बार इधर उधर घुमा के उसका टेम्परेचर डाउन करके हम पी सकते हैं। और एक एक्सरसाइज आपको बराबर करना है जो क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ऐसे सांस लेनी, उससे क्या होता है कि आप काफी लो हाइट से आए तो आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे आप एकदम एक्लिमेटाइज हो उसके लिए वो बहुत जरूरी है।
ये सबको करना है और ये फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम करीबन 4.5 किलोमीटर के आसपास हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो बस ये कि हमारा म्यूल आदि पहले जाए जब तक यहाँ पे आगे भी पानी है, दो तीन सोर्सेस है पानी के आगे पूरे रास्ते भर पानी है। अभी सबसे पहले यही के पास तो आपने पहाड़ की तरफ ही चलना है, वेट आपका पहाड़ की साइड होना चाहिए, ठीक है ना। आगे से अगर कोई खच्चर आता है तो आपने पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना, खाई की तरफ नहीं जाना। ये बात याद रखना, छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है तो वो नहीं करना। और बाकी नॉर्मल ट्रैकिंग, किसी को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम जब हो, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, आप सब फिट है और जो भी आप लोगों ने तैयारियां करके आई है तो आप लोगों का इतना अनुभव हो गया कि मत पूछो क्या क्या सब कुछ करके। फिर भी कभी अगर रात को भी अगर 2 बजे हमको जगना पड़े आपके लिए कोई प्रॉब्लम होती तो हम जग जाएंगे। ऐसा नहीं कि यार कहाँ जगाए, मेरे पेट दर्द हो रहा, मुझे गर्म पानी चाहिए, ओ नहीं, हम इसीलिए आपके साथ हम बिल्कुल ये समझ लो कि आप हमारे परिवार के, हेजिटेट नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल हेजिटेट, बेफिक्र से बताना है, बेफिक्र से रहना है, बहुत इंजॉय करना। और ये जो 2-3 दिन है इसको बड़ा यादाश्त हम भी बना, तो ठीक है। बाकी पंकज भाई कुछ बस, तो बस कुछ नहीं, बाकी जो रेपर पेपर है जो भी कुछ वो नहीं कहीं वो हमारा एक ऊपर कैंप साइड पे एक डस्टबिन लगेगा, कूड़ादान उसमें डाल, बस अभी ग्रुप फोटो करवाते हैं। ये सो वी आर वॉकिंग थ्रू दी विलेज ऑफ जांगलिक, ग्रुप सारा इकट्ठा हो चुका है और धूप बहुत ज़्यादा खिली हुई है तो आज स्वेट आउट बहुत होने वाला है। मज़ा तब आता है ट्री लाइन हो और प्लस धूप हो, फिर तो वैसा कोई ट्रैक ही नहीं होता जैसा बरारसर में था। तो दिस इज़ विलेज जांगलिक, आप थोड़ा विलेज देखिए फिर ऊपर जब कहीं भी रुकते हैं फिर आपसे बात करता हूँ। टिल देन आप जांगलिक विलेज देखिए। तो अभी आपको एक स्टैग बंदे से मिलाया था मैंने, एक बड़ा अच्छा कमेंट आया उनकी तरफ से, क्या कह रहे थे कैला जी? मैं सभी दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा सभी अपनी बेटर हाफ से बचने के लिए यहाँ पहाड़ों में आए हैं। इसी बात को पंजाबी में बोलिए। सारे अब दिया घर वालियाँ तो बचन लई पहाड़ा चाहे ने। सताए हुए घर वाले। जोक्स अपार्ट, सारी वाइफ से सॉरी, अभी सॉरी मांग लो। पहाड़ की तरफ, सारे पहाड़ की तरफ। हाँ जी, कौन? तक्का नहीं बच्चे इतने किसे नाल भी। हाँ हाँ, पवित लुक लुक दिस साइड, इफ यू फेल लाइक यू आर फॉलिंग ऑन दैट वे डू दिस। पहाड़ की तरफ चलना है, पहाड़ की तरफ, पहाड़ की तरफ, उंगली की जरूरत नहीं है, पहाड़ की जरूरत है, नेचुरल प्रोटेक्शन। किधर लग रहे हैं अंशुल जी? बहुत ज्यादा बढ़िया भैया। आरिफ, हाउ आर यू फीलिंग? गुड, सुपर, अच्छा लग रहा है, पहले मुश्किल था, ठीक है। कल तो यही वर्ड सुनने ली तरस रहा सी, क्या है ना यार, असी तो ओके सी। चोपड़ा साहब इंटरेस्ट हो गया। हां जी, किधर लग रहा है? मजा आ गया ना, बहुत मजा, बहुत ही मजा, जिंदगी दा एक्सपीरियंस, स्पेशल एक्सपीरियंस, अच्छा ना बने एक्सपीरियंस। हां जी, सुपर सुपर, गुड ऑक्सीजन। हाँ जी, गुड एयर, गुड ऑक्सीजन, गुड एयर, गुड ऑक्सीजन, गुड पीपल, गुड ग्रुप, थैंक यू, ऑल गुड, गुड ग्रुप, शॉर्ट एंड स्वीट।
चलो 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 चल आज चल मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलो चलो बेटा चलो आ जा रहे हैं। कम 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 पापा ऊपर हूँ मैं हूँ ना पापा आ जाएंगे। चलो नहीं वो पूछ रहे थे ना। चलो बेटा बिजनेसमैन के फोन नहीं हो सकते शांत। ओह क्या करें। चलो चलो जो भी कह लो चैन भाई पहाड़ों की बात ही अलग है। क्या कुछ नहीं देते हमें बिल्कुल। आई थिंक 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं जांगलिक से। थोड़ा सा कम ब्लॉक कर रहा हूँ, बोल भी कम रहा हूँ बिकॉज बच्चे साथ हैं तो उनके हाथ पकड़ के जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बच्चों को आइडिया भी नहीं होता कैसे चलना है, तो उनके साथ रहना ज़रूरी है। साथ आने का मकसद इस बार ये था कि बच्चे सेफली अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। बस अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरी वन इज़ सो गुड, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी। मेरे को बहुत डर था, आई वॉज क्वाइट स्केयर्ड भी बच्चे कैसे चलेंगे छोटे हैं, बट दे आर डूइंग रियली गुड। इनफैक्ट दे आर डूइंग बेटर देन अडल्ट्स, क्योंकि सभी बिगनर्स हैं तो बच्चे फ्रेश होते हैं ना, एक्साइटेड भी होते हैं, दे आर डूइंग रियली गुड। धृति आ गई है। धृति कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, थके तो नहीं? सो दिस इज़ द टेस्टिमोनी। तो कोई भी बच्चा अगर ट्रैक करना चाहता है ये उनके लिए गुड ट्रैक है। चलो धृति आपको आगे निकलो। ये आगे हमारे अंशुल जी, चोपड़ा साहब, बस अब आगे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जानी है जो ये सीनिक ब्यूटी है। लास्ट टाइम जब आपको मैंने ये दिखाया था सारा ब्राउन था बिकॉज वो दिसंबर का महीना था, सारा ऊपर वाइट था, नीचे झाड़ियाँ सूख चुकी थी। इस बार वो कहते हैं ना जो लैंडस्केप है, इट गॉट रियली चेंज। अब बस आगे चलता हूँ, फिर आपसे बातें करते हैं और अपने क्यूट ट्रैकरों से मिलाता हूँ आप। धनवी तेजा आरएल कम ऑन, पापा से आगे यार, इतना तो करना चाहिए तुझे, आ जा। सो ये वही कैंप साइट अगर आपको याद हो जब चंद्रनान करने आए थे हम लोग, सॉरी यहाँ अंधेरा आ रहा है, हाँ जब चंद्रनान करने आए थे, जहाँ फर्स्ट जो फर्स्ट हमें ऐसा स्पॉट था जहाँ हमें बर्फ़ के दर्शन हुए थे, तो ये सेम ही साइट है, अब इसका नज़ारा ही बदल गया। अगर आपने वो दिन देखना हो हमारा एपिसोड 1 देखिए, फ्रॉम सेम प्लेस जांगलिक टू सिम्बरथाच, उसका मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आपको ये साइट बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। इट वॉज टोटली वाइट आउट एट दैट टाइम, इट्स अ रियली अमेजिंग साइट। यहाँ पे कैंपिंग भी हो सकती है बट वी हैव जस्ट डन 1.5 किलोमीटर, सो इट इज़ नॉट वाइबल टू कैंप ओवर हेयर, बट इट्स अ गुड प्लेस। मतलब बच्चों के लिए इट्स अ रियली वंडरफुल ट्रैक, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से कंफर्टेबल है। मैं बच्चों से मिलाता हूँ आपको। हाँ जी बच्चों कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा। बढ़िया। पवित उधर बात जा सकती है? तक्ष हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। धनवी तू कुछ नहीं बोल रही? धनवी मुझे पसंद है। अशुल चल रहे हैं? सब कुछ चल रहे हैं। दे आर प्रेटी गुड एंड वेरी कम्फर्टेबल। बस अब यहाँ थोड़ी देर ब्रेक है, बच्चे पानी वगैरह पी लें। लंच हमारा पैक्ड ही, आज आई थिंक वेज बिरयानी होगी, वेज पुलाव सॉरी। सो दैट इज़ इट। इसके बाद अब आगे आपको मिलता हूँ, ट्रैक शुरू करते हैं, अब ट्री लाइन में आ जाएगा।